भैया यार आज ना YouTube पर यार एक अंडर बजट प्रोटीन देखने आया है। आपकी वीडियो सामने आई तो थोड़ा बताओ यार हमारे को प्लीज ना, इट्स अ रिक्वेस्ट ऑफ आवर्स। हमारे को ना प्लीज यार कोई ऐसा सा प्रोटीन दिखाओ यार जिसके रिजल्ट भी अच्छे हो, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, अंडर बजट भी हो, जिसकी फॉर्मेशन बहुत बहुत अच्छी हो। धैर्य भैया सहायता करो हमारी। तो गाइस हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना, बिकॉज मैं आप लोगों को ऐसे प्रोटीन से इंट्रोडक्शन आज करवाने वाला हूँ जिसकी क्वालिटी, जिसके रिजल्ट, जिसका रेट एंड बजट इज वेरी वेरी नाइस, ठीक है, एंड आप लोगों को काफी पसंद आने वाला। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोस्ट ऑफ ऑल हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिए, धैर्य.बजाज एंड शिक्षा न्यूट्रिशन एंड patience.बजाज भी, जहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ फनी 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 कंटेंट हमेशा मिलता ही रहेगा। यू नो इंस्टाग्राम भी हम चलाते हैं थोड़ा, तो मजा ही बहुत आता है, राइट? सो गाइस हम लोग आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं आप लोगों का आज इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ Q&T प्राइम बेस से। अब आप कहेंगे यार भैया ये तो काफी नया ब्रांड है। नहीं देखो, Q&T किसी टाइम पे बहुत अच्छा ब्रांड था, इंडिया में जब इंपोर्ट होता था दोबारा वापसी आ चुकी है इसकी वजह से। अब तो काफी टाइम से इंडिया में चलना शुरू हो गया है ये, मेरे पास भी काफी अच्छी सेल के साथ निकल रहा है काफी। पर आपको आज मैं इसका पूरा एक रिव्यू देने वाला हूं, क्योंकि Q&T का मैंने अभी तक एक भी रिव्यू नहीं किया। मेरे हिसाब से मैंने मेटा प्योर का रिव्यू किया हुआ था, आप मैं उसका आई लिंक पे ऑप्शन डाल दूंगा, आप डेफिनेटली उस पर जाके देख सकते हो विदाउट एनी इशू। बट द थिंग इज व्हाट कि आपको आज मैं जो Q&T का वे बताने वाला हूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर बजटेड प्रोटीन जिसकी फॉर्मुलेशन एंड जिसकी क्वालिटी इज मोर देन अमेजिंग एंड आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो आज का हम लोग रिव्यू शुरू करते हैं, करेक्ट गाइस। Q&T का जो प्राइम वे है, सबसे पहली बात है दिस इज अ प्योर वेजिटेरियन प्रोटीन, तो इट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन विदाउट एनी इशू। नॉट द वीगन पीपल, दूध का यूज हुआ है मत यूज करना इसको, ठीक है। बाकी जो वेजिटेरियन है जो दूध वगैरह पीते हैं उनके लिए दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। Q&T का प्राइम वे इज विद वे प्रोटीन आइसोलेट, इसके अंदर कंपनी ने वे प्रोटीन आइसोलेट भी डाला हुआ है, व्हिच इज वेरी फास्ट डाइजेशन, आपकी मसल्स को इंस्टेंट रिकवरी देता जाके एंड आपकी बॉडी में फटफट फटफट काम करता है, करेक्ट। 100% वे प्रोटीन, प्रोटीन पाउडर विद मिनरल, आपको इसके अंदर 48 ग्राम्स प्रोटीन मिलता, 10.9 ग्राम्स जो PCAA मिलता एंड 0 सुक्रोज मिलता, करेक्ट। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, 48 ग्राम्स आपको होगी इतना ज्यादा प्रोटीन है, पर जहां तक मेरे को लगता है, मैंने भी अभी तक प्रोफाइल पढ़ी नहीं है, आप लोगों के साथ ही पढ़ने लगा उसकी, दो स्कूप में मिलेगा जहां तक मेरे को लगता है, पर बाकी वो चीज हम आगे न्यूट्रिशन फैक्ट्स में देखेंगे। इन टोटल यू आर गेटिंग 55 सर्विंग्स और ये जो पूरा बॉक्स है 4.4 LBS का, तो 2 किलो आप पूरा मान सकते हो इसको, तो आपको 55 सर्विंग्स मिलती है। तो अगर आप इसके दो स्कूप लोगे दिन के तो अप्रॉक्सिमेटली इट विल गो फॉर 27 से 28 डेज के आसपास का आपका निकलने वाला, करेक्ट। सो गाइस अब लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन फैक्ट्स ऑफ दिस लवली प्रोटीन, आपको यहाँ पे क्या क्या कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करा रही है, लेट्स गो फॉर इट गाइस। न्यूट्रिशन फैक्ट्स में आपको जो सर्विंग साइज मिलता है कंटेनर, मतलब जो पूरा स्कूप है वो मिलता है 36 ग्राम्स का, जिसके अंदर आपको मिलती है एनर्जी, एनर्जी मीन्स बेसिकली कैलोरीज, 138 kcal आपको कैलोरीज मिलती है इसके अंदर। प्रोटीन यू आर गेटिंग 24 ग्राम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो स्कूप में आगे कंपनी ने आपको सर्विंग दी हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको 6.50 ग्राम्स मिलते हैं, शुगर आपको बिल्कुल जीरो मिलती है, फैट्स आपको 1.8 ग्राम मिलते हैं, सोडियम आपको 10 mg मिलता है, पोटेशियम आपको 65 mg मिलता है। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको कंपनी ने EAA प्रोवाइड कराया हो, तो आपको साथ में एक्स्ट्रा परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, कंपनी ने आपको पहले से ही यहाँ पे दे रखे है EAA। ल्यूसिन आपको 2 ग्राम मिलता है, एस्पार्टिक एसिड आपको 2 ग्राम मिलता है, लाइसिन आपको 2 ग्राम मिलता है। भाई साहब कंपनी ने काफी कुछ दिया हुआ आपको। ल्यूसिन आइसोल्यूशन वेलाइन की तो आपको यहाँ पे प्रॉपर एक कंपनी ने यहाँ पे फॉर्मेशन दी हुई है, आर्जिनाइन, ट्रिप्टोनाइन, हिस्टिडाइन, एलानाइन, आपको सारे अमीनो एसिड यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पे आपको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में मिल रहे हैं, विच इज ग्लूटामिक एसिड, देन प्रोलाइन, सेरीन, ग्लाइसिन। तो मतलब मैं तो दोबारा वही बात है, आपको लेना कुछ नहीं पड़ेगा साथ में, हर चीज पहले से ही है। दिन के दो स्कूप लोगे भरपूर, आपको EAA की भी आपकी वो हो जाएगी, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, मसल भी रिकवरी हो जाएगा, 6 ग्राम आपके कार्ब्स भी है। जो लोग जा रहे हैं प्रॉपर एक मसल बिल्डिंग पे, जो सोच रहे हैं कि यार अब इस बार तो डॉलर अपना बढ़ा ही देना हमने, उनके लिए ऑप्शन अच्छा क्यों रहने वाला है। इसके अंदर कंपनी आपको कार्ब्स भी दे रही है 6 ग्राम, तो दो स्कूप लोगे तो आपको 12 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे, बाकी नेचुरल डाइट से रखना तो आपको रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है, करेक्ट। गाइस इसके अंदर आपको पूरी 55 सर्विंग्स मिलती है, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब गाइस लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, आपको यहां पे कंपनी ने वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट दिया एंड वे प्रोटीन आइसोलेट दिया, तो बेसिकली इट्स अ ब्लेंड ऑफ टू प्रोटीन, आपको यहां पे एक कॉन्सेंट्रेट मिला और आपको यहां पे आइसोलेट मिला, और किसी भी तरीके का प्रोटीन यहां पे कंपनी ने नहीं यूज किया हुआ। द बेस ऑफ दिस प्रोटीन इज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, उसके बाद कंपनी ने यहां पे आइसोलेट भी ऐड किया हुआ ताकि आपकी और अच्छी रिकवरी करा सके ये वाला प्रोटीन, ठीक है। कंपनी ने आपको बताया हुआ कि आपने इसको यूज कैसे करना, देखो वो कहते हैं कि भाई एक स्कूप भरो, 200-300 ml पानी में डालो और पी जाओ, हंस के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कंपनी कहते हैं यार दिन के दो स्कूप यूज करोगे आपको बेस्ट रहेगा।
मैं आपको पता क्या सजेस्ट करूंगा, देखो इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, अगर आपको लगता है कि आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप अपनी पूरी कर सकते हो विदाउट एनी इशू, आपको लग रहा है यू आर हैविंग 6 मील्स अ डे, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो आप सिर्फ इसको एज अ पोस्ट वर्कआउट हैव 1 स्कूप ओनली, करेक्ट। बट अगर आप वो वेजिटेरियन आपको लग रहा है भैया नहीं हो पा रहा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा, तो इसके 2 स्कूप लीजिए, आपको मोर बेनिफिट होगा। सजेशन ऑलमोस्ट लोगों को 2 स्कूप ही रहती है, क्यों? क्योंकि आजकल हर बंदा बिजी है, जॉब पे रहता, बिजनेस कर रहा, स्टूडेंट है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, तो हर बारी इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू ट्रैक योर 6 मील्स, तो आपको ये एक 2 स्कूप आपके ऐसे 2 मील बन जाते हैं। पर आपको सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं रहना, अगर आप सोचोगे हम 2 स्कूप खा के हल्के या ह्यूमन बन जाएंगे, नॉट पॉसिबल। आपको नेचुरल डाइट अपनी, आपको अपना जिम और आपको अपना एक सप्लीमेंटेशन अच्छा रखना पड़ेगा टू गेट गुड रिजल्ट्स। एंड प्लस ऑफ ऑल गाइस, एक बार मैं आपको चीज बता देता हूँ, इट इज अ गेम ऑफ पेशेंस, डोंट डू दिस कि आपने एक डब्बा खाया भैया एक डब्बे में मुझे कितना रिजल्ट आ जाएगा, इट्स नथिंग लाइक दैट। प्रोटीन ने आपको एक रिकवरी बेस पे काम करना, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना। अगर ऐसा होता कि एक डब्बे में आप लोग हल्के या ह्यूमन बन जाते तो हर बंदा यहाँ पे बॉडी बिल्डर होता, करेक्ट। प्लीज इस चीज को समझिए कि ये कंसिस्टेंसी की गेम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डाइट, ठीक है। आप इसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं खा रहे हो कि आपने खाया और आप पता नहीं आप में कौन सी ताकत आ गई, इट्स नथिंग लाइक दैट। तो आई सजेस्ट आपको हमेशा कंसिस्टेंसी रखनी है और आपने हमेशा पेशेंस रखना है बाय यूजिंग ए सप्लीमेंट और बाय वर्किंग आउट ऑन योर बॉडी, करेक्ट। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ एलर्जन इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर मिल्क का यूज हुआ हुआ है डेफिनेटली, जो कंपनी बताया कंटेन्स मिल्क एंड इंग्रेडिएंट्स। अब इसके अंदर कंपनी ने आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी दिए, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का ये फायदा रहेगा, जिसको डाइजेशन का इशू रहने वाला है उसके लिए ये भी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम प्रोटीन पीते हैं एकदम से लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं और वो सीधा पॉटी पे निकल जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर एंजाइम्स भी दिए आपको, तो एंजाइम्स के साथ बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको बॉडी में डाइजेस्ट होगा और सीधा आपके मसल्स में लगेगा, करेक्ट। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो में एक और नॉलेज दूंगा कि हाउ यू शुड बी यूजिंग योर प्रोटीन इफ यू आर यूजिंग एज अ पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट में सीधा प्रोटीन मत लो, ठीक है। सबसे पहले एक बनाना खाओ ताकि आपके ग्लाइकोजन रिजर्व्स पूरे जो डिप्लीट हुए थे वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद प्रोटीन यूज करो ताकि वो आपके मसल्स में लगे, करेक्ट। अगर पहले प्रोटीन यूज कर लोगे तो आपके वो ग्लाइकोजन को रिकवर करने में लगा रहेगा, इससे बढ़िया पहले कोई एक अच्छा गुड कार्ब्स का सोर्स रखो, बेशक ओट्स खा लो या फिर बनाना खा लो, कुछ भी खा लो, और उसके बाद 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन रखो ताकि आपका ग्लाइकोजन पहले रिजर्व फुल हो जाए और उसके बाद आपके मसल्स को रिकवरी मिले, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा उस चीज में, करेक्ट। सो गाइस, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि बना कहाँ पे हुआ है, QNT कहाँ का ब्रांड है। अब देखो ऐसा है कि जो QNT है मैन्युफैक्चर्ड बाय QNT स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये उत्तराखंड में बन रहा है, देहरादून में बन रहा है। जो क्वालिटी सुपरविजन है वो QNT इंटरनेशनल नहीं है, यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ कि भैया जो भी रॉ मटेरियल जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो गए वो QNT बाहर से ही भेजेगा, सिर्फ इसके जो असेंबलिंग है जो पैकेजिंग है वो इंडिया के अंदर होगी, तो आई गेस इट्स अ गुड थिंग, राइट। गाइस लेट्स टॉक अबाउट द MRP ऑफ दिस प्रोडक्ट। आपको यहाँ पे कंपनी 6299 MRP प्रोवाइड करा रही है, आपको शिरसाई न्यूट्रिशन पे सिर्फ और सिर्फ ये 3800 रुपीज का पड़ने वाला है, मात्र GST बिल के साथ होगा, फ्री शिपिंग होगी, एंड दोबारा वही बात है जेन्युइनिटी की पूरी गारंटी रहेगी कि भाई साहब आपको यहाँ पे हमारे पास शॉप पर दिक्कत नहीं आ सकती कभी भी किसी चीज, करेक्ट। सो गाइस, हम लोग आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड बने रहिए हमारे साथ और बहुत सारी वीडियोस में। एंड अगर आप अपना QNT का वे प्रोटीन ऑर्डर करना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर या फिर हमारी वेबसाइट से आज ही जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।